अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू अमेजिंग पाकिस्तान इन उर्दू। कुत्ता इंसान का बेहतरीन साथी समझा जाता है। कुछ खास नस्लों के कुत्ते खरीदने के लिए इंसान करोड़ों रुपए देने पर भी राजी हो जाता है। इस वीडियो में आप दुनिया के सबसे महंगे और नायाब तरीन कुत्तों के बारे में जानेंगे। पहले के हम आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नंबर 10 पर है चीको सिल्वाकिया का वुल्फ डॉग। बहुत से लोग जानते हैं कि आजकल के कुत्तों का ताल्लुक जंगली भेड़ियों से है, लेकिन ये वुल्फ डॉग तो भेड़िये की बहुत ही करीबी नस्ल से ताल्लुक रखता है। कुत्तों की इस नस्ल को जर्मन शेफर्ड और यूरेशियन भेड़िये के मिलाप से बनाया गया है। एक कुत्ते की कीमत तकरीबन 2.25 लाख है, क्योंकि इनके अंदर भेड़िये की ताकत और कुत्ते की तरह जहानत होती है। वुल्फ डॉग्स को चेक स्पेशल फोर्स के अलावा शिकार और रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बहादुर और अपने मालिक के बहुत ही वफादार होते हैं, लेकिन इनकी एक शर्त होती है कि इसके मालिक के अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। इनको ज्यादातर हिफाजत के लिए रखा जाता है, क्योंकि ये अपने कद काठ की वजह से किसी भी किस्म के मौसम में रह सकते हैं। इतनी खौफनाक शक्ल के बावजूद ये बच्चों के साथ भी आराम से रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इसको बहुत छोटी उम्र से पालना पड़ता है ताकि इसको आपकी आदत हो जाए। नंबर 9 पर है सलूकी। इस पर्शियन ग्रे हाउंड का ताल्लुक मिस्र की एक कदीम कुत्तों की नस्ल सलूकी से है, जो कि मेसोपोटामिया और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में पाए जाते थे। फिरौनों के जमाने में भी कदीम कबाइल इसको रात के वक्त सहरा में शिकार के लिए इस्तेमाल करते थे। इनकी टांगे लंबी और छाती बाहर निकली होती है और ये शिकार पर भागते हुए ही झपटा मार देते हैं। ग्रे हाउंड्स को सबसे तेज रफ्तार कुत्तों की नस्ल समझा जाता है, लेकिन अगर बहुत दूर तक भागना हो तो सलूकी से बेहतर कोई कुत्ता नहीं है। इनका स्टैमिना इतना ज्यादा होता है कि ये 42 मील फी घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं। सलूकी बहुत ही हसास कुत्ता है, इसलिए इनको आसानी से ट्रेन नहीं किया जा सकता, लेकिन कदीम वक्तों में ये उकाब और ऊंट के साथ मिलकर अपने मालिक के लिए शिकार मार कर ले आते थे। इस कुत्ते को पब्लिक मकामात पर ले जाने से पहले पट्टे से बांध कर रखें, क्योंकि ये पब्लिक में किसी को भी काट सकता है। कदीम नस्ल से ताल्लुक होने की वजह से इनकी कीमत तकरीबन $2500 यानी 3 लाख के करीब है। नंबर 8 पर है पेरूवियन इनका ऑर्चिड। इस कुत्ते का ताल्लुक कदीम इनका से है और ये देखने में बिल्कुल कुत्ता भी नहीं लगता। इसके जिस्म पर बिल्कुल भी बाल नहीं होते और इसका रंग चॉकलेटी और ग्रे होता है। ये बहुत ही तेज और वफादार होता है और किसी भी माहौल में जिंदा रह सकता है। ये इतने जहीन होते हैं कि आप इसको आराम से ट्रेन कर सकते हैं, साथ ही में आप इनको कोड वर्ड में हुक्म भी दे सकते हैं। बाल ना होने की वजह से इन पर एलर्जिक रिएक्शन जल्दी होता है, क्योंकि इनको पिस्सू वगैरह आराम से काट सकते हैं। इनका एम्पायर से ताल्लुक रखने वाले ये कुत्ते मालिक के बहुत ही अच्छे साथी होते हैं। जब स्पेन की फौज ने पीरो पर हमला किया तो इनकी नस्ल तकरीबन खत्म हो गई थी। इनकी कीमत $3000 यानी तकरीबन 4.25 लाख है। नंबर 7 पर है एजावाक। ग्रे हाउंड की तरह दिखने वाली इस कदीम और लंबी टांगों वाले कुत्ते को अफ्रीकन एजावाक कहते हैं। अफ्रीका के बहुत से कबाइल इसको शिकार के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज रफ्तार होता है। इसको बहुत ही अच्छा मुहाफिज कुत्ता समझा जाता है, क्योंकि ये मालिक के बहुत करीब होता है और किसी अजनबी को देख कर इसको सिर्फ घूरता रहता है। क्योंकि एजावाक गर्म इलाकों में रहता है, इसलिए ये 100 डिग्री के गर्म मौसम में भी आसानी से भाग सकता है, क्योंकि इनकी रफ्तार तकरीबन 40 मील फी घंटा होती है। इसलिए ये गजाल हिरन को भी आराम से दबोच लेता है। इसकी कीमत भी $3000 है। नंबर 6 पर है अकीता। इस नरम बालों वाले जापानी कुत्ते को हर जगह पसंद किया जाता है। इसको जापानी जागीरदार अपनी हिफाजत के लिए रखते थे। ये बहुत ही नडर हैं और रीछ जैसे बड़े जानवर का शिकार करने में भी इस्तेमाल होते हैं। बड़ा सर और ताकतवर जिस्म इनका ट्रेडमार्क है। बहुत से लोग इस नस्ल को बहुत ही जिद्दी मानते हैं, क्योंकि ये हर वक्त मालिक के साथ चिपक कर रहता है और बात करने की कोशिश करता है। ये चीजें उठाने के लिए अपने मुंह का बहुत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आप इनको अखबार और जूते उठाने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। इतना बड़ा कुत्ता होने के बावजूद इसके अंदर बिल्लियों जैसी कुछ आदतें मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर जबान से अपने आप को चाटना और शिकार का पीछा करना। इसकी कीमत तकरीबन $4500 है। नंबर 5 पर है रोट व्हीलर। पहले वक्तों में लोग इसको सवारी के लिए इस्तेमाल करते थे और अब भी ये भेड़ों के रेवड़ को संभालने के लिए इस्तेमाल होता है। जर्मनी से ताल्लुक रखने वाला ये कुत्ता अपने मालिक का बहुत वफादार होता है। इनकी डरावनी शक्ल के बावजूद लोग कहते हैं कि ये खानदान के दूसरे लोगों के साथ बहुत शराफत से पेश आता है। इनको ट्रेन करने के लिए बहुत वक्त की जरूरत होती है, इसलिए ये कुत्ता नए बंदों के लिए नहीं है। एक रोटवीलर की कीमत $6000 है। नंबर 4 पर है फेरो हाउंड।
कदीम नस्ल का फेरो हाउंड माल्टा का कौमी जानवर है। इसका ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि कहा जाता है कि ये मिस्र के फिरौनों के साथ हिरन का शिकार करने के लिए जाता था। ये जहीन और प्यारा कुत्ता बहुत इंसान दोस्त है। मजे की बात यह है कि ये कुत्ता शर्माता भी है। जब ये खुश हो तो इसके गाल और कान लाल सुर्ख हो जाते हैं। इनको आप हंसाना भी सिखा सकते हैं। इसकी कीमत $6,500 है। नंबर 3 पर है तिब्बतन मिस्टिफ। ये कुत्ता बहुत ही हार्ड वर्कर होता है क्योंकि ये सदियों से तिब्बत के पहाड़ों पर लोगों के शाना बिशाना काम करता है। ये जिद्दी कुत्ता बहुत कम ही अपने मालिक की मानता है, लेकिन जब ये समझता है कि वो राइट है तो कोई भी इसको टस से मस नहीं कर सकता। ये किसी अजनबी को घर में दाखिल नहीं होने देते, लेकिन अगर बचपन से इनको सोशल ट्रेनिंग दी जाए तो ये ज्यादा मसला नहीं करते। जवान मिस्टिफ का वजन 72 किलो होता है। अपने इतने बड़े साइज की वजह से ये टाइगर से भी मुकाबला कर सकते हैं। इसकी कीमत $7,000 है। नंबर 2 पर है समोइड। साइबेरिया का समोइड अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर है। बर्फीले इलाकों में इसका इस्तेमाल गाड़ी खींचने और हिरन के शिकार के लिए होता है। इसके बड़े बालों की वजह से इसका जिस्म गर्म रहता है। अक्सर बहुत ज्यादा ठंड में अपने मालकों को भी उनके ऊपर लोट पलोट होकर गर्माइश पहुंचाता है। इसकी कीमत $8,000 है। नंबर 1 पर है लोचिन। ये बहुत ही नायाब नस्ल का कुत्ता है जिसकी कीमत तकरीबन $10,000 और पाकिस्तान 12.5 लाख है। 400 साल पहले ये कुत्ते यूरोप के अमीर लोगों में बहुत मशहूर थे। इनको छोटे शेरों की तर्ज पर पाला जाता था, इसलिए इनको लिटल लायंस भी कहते हैं। आप इनको उस दौर की पुरानी पेंटिंग्स में भी देख सकते हैं जहां ये आरामदेह कमरों में ऐश करते हुए नजर आते हैं। इसके जिस्म से बाल नहीं गिरते, इसलिए वो लोग जिनको एलर्जी होती है उनके लिए ये कुत्ता बेहतरीन है। दोस्तों, इसके साथ ही वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।